हाय फ्रेंड्स, मैं भारमल मोहम्मद आपका वेलकम करता हूँ यूनिक्स शेल स्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में। इस सीरीज में हम बात करेंगे यूनिक्स शेल कमांड्स के बारे में और जो छोटी स्क्रिप्ट्स जो कुछ भी आती है अगर हमें खुद की बनानी है तो वो अगर कैसे बनाएंगे। तो ट्यूटोरियल में हम सबसे पहले बात करेंगे बेसिक कमांड्स के रिलेटेड जो कुछ भी आता है उसमें। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो टोटली कमांड बेस ऑपरेट करती है और उसका जो विंडोज वर्जन होता है GUI वर्जन जो होता है उसे हम लिनक्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि पहले हम इस्तेमाल करते थे डोस और आज की डेट में जिसे हम जानते हैं एज अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो पहले यूनिक्स थी, अब उसका GUI जो कुछ भी अवेलेबल है उसे हम लिनक्स के नाम से जानते हैं। अभी के लिए मैंने ट्यूटोरियल में के लिए मैंने वर्चुअल मशीन में उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम 11 इंस्टॉल की हुई है। आप नई ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। रिसेंट जो वर्जन अवेलेबल है उबंटू का है वो है 14.10 जहाँ तक मेरा नॉलेज है, अगर मेरे गलती नहीं है। तो सबसे पहले यूनिक्स शेल स्क्रिप्ट अगर हमें स्टार्ट करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो शेल स्क्रिप्ट के बारे में तो पहले से जो शेल वर्ड आता है उसके बारे में हम बात करते हैं, स्क्रिप्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। शेल जो वर्ड है वो क्या होता है? शेल माने अ काइंड ऑफ अ शील्ड, ढाल, जो एक हार्डवेयर और यूजर के बीच में हमेशा रहता है और वो हमेशा एक इंटरप्रेटर की तरह वर्क करता है। इंटरप्रेटर माने के क्या होता है कि अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ अभी के लिए, अगर आपको हिंदी आती ही नहीं है तो YouTube में जो कैप्शन का जो ऑप्शन अवेलेबल होता है वो कैप्शन क्या होता है कि आपको अननोन लैंग्वेज में जो वीडियो है अगर आपकी नॉन लैंग्वेज में उसमें ऐड की है तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि मैं आखिर अभी जो कुछ भी प्रोग्राम कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ। तो कैप्शन क्या हुआ? आपके लिए एक इंटरप्रेटर हुआ, वो आपको हेल्पफुल होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक वैसे ही अगर कोई भी हमें हार्डवेयर को एक्सेस करना है ऑपरेटिंग सिस्टम में तो हम डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते, उसका यूज नहीं कर सकते। अगर मैंने हाथ में पेन ड्राइव रखी हुई है तो क्या आप अपना डेटा कॉपी कर पाएंगे? अगर मैंने कीबोर्ड निकाला हुआ है तो कीबोर्ड का कोई यूज हुआ? कुछ यूज नहीं हुआ। तो जितने भी हमारे पास हार्डवेयर है, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, राइटर है, पेन ड्राइव है, अगर हमें उसका सही इस्तेमाल करना है ऑपरेटिंग सिस्टम में तो उसका एक इंटरप्रेटर होना चाहिए। इंटरप्रेटर के कि अगर हमें हार्ड डिस्क में कोई फाइल क्रिएट करनी है तो फाइल क्रिएट करने के लिए GUI में हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके क्रिएट फोल्डर या न्यू फोल्डर ऐसा कुछ सिलेक्ट करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मालूम पड़ जाता है आखिर यूजर क्या करना चाहता है, तो वो हार्डवेयर में जाके वो एक फाइल क्रिएट कर देता है। हार्डवेयर क्या हुआ? हमारा हार्ड डिस्क हुई। अगर हमें कोई प्रिंट निकालनी है तो हमें फॉर एग्जांपल कंट्रोल पी कमांड विंडोज में दे रहे हैं तो कंट्रोल पी वो कैसे मालूम पड़ा कि भाई वो प्रिंट कमांड है? तो वो सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेल बीच में रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर के बीच में। हार्डवेयर रिलेटेड कुछ भी अगर हमें वर्क करना है तो सेल समझ जाएगा कि हमें क्या करना है। जो कुछ भी कमांड हम लिखेंगे सेल स्क्रिप्ट में वो कमांड का एक यूनिक मीनिंग होगा, एक यूनिक सिंटेक्स होगी, कंपलसरी हमें उसे ही फॉलो करना जरूरी है। अगर हमें कुछ भी गलती की है तो वो कमांड नॉट फाउंड या कमांड इज इनवैलिड ऐसा कुछ भी एरर मैसेज प्रॉपरली डिस्प्ले कर देगा। अभी तक में डेट में जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम थी वो 1969 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी और आज की डेट तक में तकरीबन 6 या 7 डिफरेंट सेल अभी तक इंट्रोड्यूस हुए हैं जो इंटरप्रेटर, जो यूजर जो कुछ भी कमांड लिखता है वो समझ के ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट करता है और हमें रिसोर्सेज अवेलेबल करता है। जो सबसे पहले जो 1969 में यूनिक्स डेवलप हुई थी उसमें सेल था वो था बोन सेल, जिसे एसएच सेल से भी जाना जाता है, वो सबसे पहला सेल था। बाद में 1970 में एक दूसरा सेल इंट्रोड्यूस हुआ, सी लैंग्वेज में बनाया हुआ था बिल जोई नाम के एक डेवलपर ने, जिसे CHS सेल से नाम से जाना जाता है, जो काफी सी से सिमिलर था। सी की सिंटैक्स होती है जो कुछ भी रूल्स होता है और बेसिक जो कुछ भी कमांड्स होते हैं कीवर्ड्स होते हैं वो सी से काफी सिमिलर था और बोन सेल जो सबसे पहले बनाया हुआ था उसे काफी इम्प्रूव्ड वर्जन था, काफी अच्छा वर्जन था, यूजर को कन्वीनियंट था इस्तेमाल करने में। और बाद में एक दूसरा नया सेल आया था कॉन सेल, जो 1980 में इंट्रोड्यूस हुआ था AT&T लैब में, डेविड कॉन ने जिसे बनाया था और उसे जाना जाता था KSH सेल से। और जो सबसे सक्सेस सेल था आज की डेट में भी जिसे ज्यादातर सभी इस्तेमाल लिनक्स में करते हैं,
वो था बोन अगेन सेल। जो सबसे पहले बोन सेल था वो था बोन अगेन सेल। ये सबसे सक्सेस क्यों हुआ, क्योंकि वो जीएनयू था, जनरल पब्लिक लाइसेंस में उसे बनाया था। मतलब कि क्या होता है कि उसका जो कुछ भी सेल का कोडिंग है, इंटरप्रिटर जो कुछ है, जो आप कमांड लिखते हैं वो क्या कमांड लिख रहे हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका आखिर क्या करना है, हार्डवेयर के साथ उसका क्या करना है वो समझना, जो कुछ भी उसके लिए कोड लिखते हैं वो कोड भी ओपन है सभी के लिए, इसी मदद से वो सबसे ज़्यादा सक्सेस हुआ है। ज़्यादातर सभी जो जीएनयू लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि एक उबंटू जो आप देख रहे हैं अभी के लिए स्क्रीन में, और दूसरी जो डिबियन आती है उसमें भी बेस सेल ही इस्तेमाल किया जाता है। तो सेल स्क्रिप्ट अगर हम अगर बात करें तो सेल स्क्रिप्ट क्या होती है, ये छोटे छोटे जो कुछ भी कमांड्स होते हैं, अगर कमांड हम एक ही साथ एग्जीक्यूट करते हैं, एक कमांड या दो कमांड या तीन कमांड को एक फाइल में लिख के अगर हम साथ में एग्जीक्यूट करते हैं तो उसे सेल स्क्रिप्ट कहा जाता है। जैसे कि बैच फाइल, विंडोज में जो .bat फाइल आती है जिसमें हम मल्टीपल कमांड्स लिखते हैं और बैच फाइल अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके अंदर के सभी कमांड एक साथ एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक वैसे ही सेल स्क्रिप्ट में जितने भी हमने कमांड लिखे हैं, जितने भी सेल के जो कमांड है वो एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे अगर किसी में हमने सिंटैक्स में गलती नहीं की और उसके जो कुछ भी ऑप्शन है, वैल्यूज है, पैरामीटर्स, जो कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स है हमने सही प्रॉपर लिखी है। तो अब हमें कमांड कहाँ पे लिखना है अगर वो हम देखें तो क्या होगा कि एप्लीकेशन मेनू है, एप्लीकेशन मेनू में आपको एसेसरीज में जाके यहाँ पे टर्मिनल आएगा, और अगर हम टर्मिनल में जाएंगे तो यहाँ पे आप एक विंडो ओपन देख पाएंगे। ये हमारी विंडो है, यहाँ पे हमें सभी कमांड्स को लिखना है। ये हमारी टर्मिनल है, ये डोज हुआ, जैसे कि हमें C:\ ऐसा कुछ दिखाई देता था पहले के जो डोज। आज की डेट में भी अगर आप विंडोज 7 में या विंडोज 8 अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो CMD लिख के जो आता है C:\ user/ आपका नाम के जो कुछ भी, वो डोज का जो प्रॉम्प्ट है ये ठीक वैसा ही प्रॉम्प्ट है। उसमें लिखा हुआ है mohammad@ubuntu, वो क्या है, मोहम्मद मेरा लॉग्ड इन यूजर नेम है, जैसे कि आपके विंडोज में आपको स्टार्ट मेनू में दिखाई देता है आपका खुद का नाम, वो लॉग्ड इन यूजर नेम है, और @ के साइन के बाद जो ubuntu लिखा हुआ है वो मशीन नेम है। मशीन नेम यानी कि कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर नेम ऐसा आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है। नेटवर्किंग में अगर आपको उस कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करना है तो किस नाम से आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो जहां पे जो ये नाम लिखा है ubuntu उस नाम से आइडेंटिफाई होगा। और @ वो एक्चुअल हमारा प्रॉम्प्ट हुआ जो हमें डोज में एज अ ग्रेटर देन साइन दिखाई देता है। यहाँ पे हमें सभी कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक कमांड ले देते हैं, जैसे कि अभी हमने सेल की बात की, बोन सेल, सी सेल, कॉन सेल और बोन अगेन सेल, तो देख लेते हैं कि आखिर ubuntu में कौन सा सेल इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो आपको देखना है तो कैसे देखेंगे, सिंपल एक इको कमांड है जिसकी मदद से हम कोई भी एक मैसेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे कि इको हाई लिखते हैं तो हमें यहाँ पे हाई वहां पे ही दिखाई दिया जाएगा। तो एक दूसरा एक स्पेशल वेरिएबल है, वेरिएबल्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं $shell। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिन बैश, बैश मतलब क्या हुआ, बोन अगेन शेल, पहले था sh सिर्फ शेल जो बोन शेल था उसका नाम, अब जो इम्प्रूव बोगन वर्जन उसका बोन अगेन शेल है उसको कहा जाता है बैश, BASH। ubuntu में ये वर्जन है, इसके बाद भी कुछ वर्जन अवेलेबल है लेकिन ये सक्सेस नहीं है, सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग सक्सेस है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, शेल के बारे में, शेल स्क्रिप्ट के बारे में और शेल टाइप्स के बारे में। आगे के वीडियो देखते रहिए, सभी बेसिक्स के कमांड्स के बारे में हम बात करेंगे और सेल स्क्रिप्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैंने वीडियो में ट्यूटोरियल में इंस्टॉलेशन का वीडियो ऐड नहीं किया है क्योंकि वो प्लेंटी ऑफ वीडियोज अवेलेबल है ubuntu इंस्टॉलेशन के, विद विंडोज, विथ इन अ विंडोज और विथ इन अ वर्चुअल बॉक्स, जैसे आपको कन्वीनियंट है आप कोई भी एक वीडियो देख सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन भी अवेलेबल है 14 का, 13 का, वो भी आप देख सकते हैं। वो रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि इंस्टॉलेशन आसान है, वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, सिर्फ आपको एक हार्ड डिस्क में एक एम्प्टी अनएलोकेटेड स्पेस होनी चाहिए, बस ये याद रखना। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
Yeah.